रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। किराने की दुकान से की शुरुआत। आज ब्रिटानिया जैसी ब्रांड को दे रहे टक्कर, बनाई 100 करोड़ की कंपनी न्यू दिल्ली। सफलता मिलने की खुशी ही कुछ और होती है, लेकिन यहाँ खुशी तब दुगनी हो जाती है जब इसके लिए कड़ी मेहनत की जाए। हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानना सीखा। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, उन्होंने हर मुसीबत का डट कर सामना किया। इन्होंने अपने बचपन की शुरुआत एक किराने की दुकान पर अपने पिता के साथ काम करते करते की और आज भारत के अमीर लोगों में से एक बन गए। इन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया, अगर आपके मन में चाह हो तो बड़े बड़े सपने को साकार कर सकते हैं। यह कहानी भारतीय फूड ब्रांड प्रिया फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड की नींव रखने वाले बिजनेसमैन गणेश प्रसाद अग्रवाल की है। महज 30 सालों में गणेश प्रसाद ने कंपनी की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, जिसके बाद वो भारत का सबसे बड़े ब्रांड में से एक बन गया। आज उनका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपयों का है। आज के समय में कंपनी के 9 प्लांट्स हैं और 100 टन का रोज उत्पादन है। आज मार्केट में प्रिया गोल्ड के बिस्किट्स के साथ कई तरह के स्नैक्स भी मौजूद है। गणेश प्रसाद कोलकाता से 20 किमी दूर एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे। गणेश के पिता एक किराने का दुकान चलाते थे। घर की हालत ठीक नहीं होने के कारण उन्हें पिता अक्सर पढ़ाई पर ध्यान देने पर जोर देते थे। गणेश अग्रवाल पिता के साथ किराना की दुकान में बैठते थे और खाली समय में प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाया करते थे। उनके पिता अक्सर उनके पढ़ाई पर ध्यान देने की बात करते थे। 14 साल की उम्र तक वो अपने पिता के साथ किराने की दुकान में बैठते थे, क्योंकि 7 लोगों के परिवार को चलाने के लिए ये करना उनकी जरूरत थी। किराने की दुकान में बैठने से उन्हें इस बात की समझ आ गई कि खाने के सामान में कभी मंदी नहीं आती। सितंबर 1986 में उन्होंने बिस्किट फैक्ट्री खोलने का तय किया, लेकिन उन्हें एक आगे सबसे बड़ी समस्या थी, इतने सारे पैसे वो आखिर लाएंगे कैसे। इसके बाद उन्होंने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी गिरवी रख दी और दोस्तों से कुछ उधार लेकर पैसे जमा किए। साथ ही साथ उन्होंने बैंक से 25 लाख रुपए उधार लिए और बिजनेस की नींव रखी। इस तरह भारत के फेमस बिस्किट ब्रांड प्रिया का जन्म हुआ। बिस्किट का बिजनेस करना इतना भी आसान नहीं था कि क्योंकि मार्केट में पहले से पार्ले जी और ब्रिटानिया का दबदबा बना हुआ था। गणेश अग्रवाल ने यह बात महसूस की कि अगर मार्केटिंग अच्छी होगी तभी लोग इस ब्रांड को लेकर दिलचस्पी दिखाएंगे। जिसके बनी समय गवाएं उन्होंने तुरंत ही 5 लोगों की टीम बनाई और घर घर जाकर प्रिया के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। इस कंपनी ने पहले ग्लूकोज और नारियल की बिस्किट बनाई, जिसे बहुत ही कम दामों में अच्छी क्वालिटी के साथ बेचा गया। यह बिजनेस करने का तरीका था जिसमें गणेश अग्रवाल सफल भी हुए। इसकी सफलता के साथ गणेश ने दूसरी चीजों में भी हाथ आजमाने का सोचा। 2005 में उन्होंने रिलायबल नाम का एक प्लांट शुरू किया, जिसमें आलू की चिप्स और स्नैक्स तैयार किया जाने लगा। इसके बाद 2012 में गणेश अग्रवाल ने सोया नगेट्स का प्लांट डाला। आज उनके दोनों बेटे कंपनी के डायरेक्टर है। गणेश प्रसाद अग्रवाल ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से कंपनी को ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया।